एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब मस्त और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। तारीख है आज 19 अप्रैल, दिन है आज बुधवार का, टाइम है 7:30 का और यहाँ तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले भैंस को नहलाएंगे, पानी आ गया है ताज़ा, तो आज पानी थोड़ा लेट आया है, वरना हेमू योगी के स्कूल जाने से पहले ही नहला देती हूँ। चाट में थोड़ी सी कसर है, अभी नहीं बनी है, तो थोड़ा सा ईंधन है जो उपड़े हैं, ये देखो ये दिख रहे हैं या नहीं पता नहीं, हाँ ये रहे ना, तो थोड़े से डाल देती हूँ। और गोबर गेरना है, थेपना है, भैंस नहलानी है, पहले फटाफट से निपटा लेते हैं बाहर का काम, उसके बाद फिर जो अंदर का झाड़ू पोछा है वो करेंगे। चौक की झाड़ू हो गई है, एक मिनट दिखा देती हूँ। और भैंस को बस ये है कि जल्दी से नहलाओ और अंदर बांध दो। ये देखो बाहर है, वो मक्खी बहुत तंग करती है बहुत। चौक की झाड़ू निकल चुकी है, रात को 3 बजे बहुत बहुत जोरों से हवा चली है, बहुत जोरों से, पत्ते का ढेर आप देख सकते हैं। पाड़ी आराम से बैठी है, पहले टीन की साफ सफाई होगी उसके बाद इसको नहलाया जाएगा, ये काम है हमारा पेंडिंग अभी, तो ये काम कर लेती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी ही देर में, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस थोड़ी सी देर। हाँ लाडो, क्या बात है, हैं? 2 मिनट रुक जा बस। कोई भी ये ना सोचे भाई कि बस ऐसे ही झाड़ू लगा दिया और छोड़ दिया, इसको लगभग मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद इसमें दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी तो आसानी से सारा कूड़ा है वो निकल जाएगा। इतने में ये ठाण है, ये सूख जाएंगे। एक बार इस तरह से झाड़ू लगा दें और अपना बाकी का काम है वो 20 मिनट का है या 15 का है 25 का है तो वो कर ले, उसके बाद इसको साफ़ करे ठाण को, तो बहुत बढ़िया ठाण
उस जाते हैं, झाड़ू लग जाती है और कूड़ा बिल्कुल भी नहीं बचता। तो मैं करती हूँ इसी तरह से, तो बारी बारी एक के बाद एक काम, भगवान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह सुबह काम कर लिया 1 से 1.5 घंटा, बस इतना ही काम है पशुओं का, खाने को मिलता है बढ़िया। 1 से 1.5 घंटे में इतना कुछ मिल जाता है कि तो पूरा परिवार आराम से खा सकता है। घी खाओ, दूध खाओ, दूध पियो, खाओ नहीं दूध पियो, दही खाओ, छाय घी जो मन करे वो, और घर का शुद्ध मेन बात है, घर का है और बढ़िया है। दोपहर का बज गया 12:30। तो लगभग 10-15 मिनट तो लगेगी ही इसमें। जाली सारी धोनी है, अंदर से साफ कर दिया है, पहले लगा देती हूँ नाली। टाइम 2:30 बज गए हैं पूरे, और अभी अभी खाई है रोटी। टाइम पूरा ख़राब कर दिया कूलर के पीछे, और ऐसी कोई बात नहीं है, कूलर चल गया था हमारा, लगभग 10 मिनट चला, और उसके बाद उसकी जो पंखड़ी होती है ना, घूमने वाला जो पंखा होता है, वो टूट गया अचानक से। पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। अभी योगी स्कूल से आएगी तो फ़ोन करेगी मिस्त्री के पास, देखो शाम को ठीक होगा या कल होगा। जो सोचा उसके विपरीत काम हो गया, सब बिगड़ गया। सोचा ये था कि बच्चे स्कूल से आएंगे, कूलर के नीचे बैठ जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल मैंने एसी ऑन किया था थोड़ी देर, फिर ठंड लगने लगी। एसी का ऐसा ही है कि सर्दी, क्योंकि एसी है बड़ा, रूम है छोटा, तो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो एसी को कर दिया है बंद और पंखा चला लिया है। मौसम आज बादल है, तो पूरा टाइम खराब भी किया और कामयाब नहीं हुआ, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है, स्कूल से आएंगे तब क्या बोलेंगे, अरे मम्मी, देखो क्या कुछ कहेंगे, बताएंगे आप सबको। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ रेस्ट, आज का जो व्लॉग है 19 तारीख वाला, 19 को तो ये मैं बना रही हूँ अभी व्लॉग, और जो 18 का था वो 19 को जाना था। अभी मेरे व्लॉग की टाइमिंग 1 बजे की है, 5-7 मिनट लेट हो जाता है बस नेटवर्क के कारण, लेकिन आज लेट हो गया है कूलर के कारण क्योंकि इसमें लग गई थी। तो चलिए अभी कर लेती हूँ रेस्ट। रेस्ट तो क्या है, अभी 2:30 बज चुके हैं और बच्चे 3 बजे आएंगे, तो चलिए थोड़ा देर मैं फ़ोन चला लेती हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ, फिर बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा खाना। देखिए क्या बनवाते हैं, चूरमा बनवाएंगे, खीरा टमाटर कुछ कटवाएंगे, तो
जो कुछ कहेंगे वो होगा।